आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा जूड़ा। आप किसी भी पार्टी में या कहीं बच्चों को जाना हो तो झटपट से जूड़ा बनाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जूड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बालों को सुलझा करके अच्छे से इसकी एक पॉनीटेल बनाएंगे। तो पॉनीटेल आपको थोड़ी सी ऊंचाई पर बनानी है। तो अगर आपके बच्चे के बाल बड़े हैं तब भी आप ये हेयर स्टाइल या जूड़ा बना सकते हैं, और छोटे हैं तब भी बना सकते हैं। तो मेरी बेटी के बाल बहुत ही छोटे हैं तो मैं इसमें ये हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। तो मैंने पॉनीटेल बना करके तैयार कर ली है। अब मैंने लिया है बन, तो छोटा वाला बन है ये। तो आप इसकी जगह कोई बैंगल का यूज़ भी कर सकते हैं, चौड़ा सा बैंगल हो, कंगन जिसको बोलते हैं। अब हम बालों को बन के चारों तरफ से इस तरह से ले जाएंगे, तो इससे जो जूड़ा है थोड़ी सा बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि बच्चों के इतने बड़े बाल नहीं होते हैं। और अब हम इसको अच्छे से दबाएंगे इस तरह से, और इस तरह से मेरे पास एक रबड़ बैंड है, तो बच्चों वाला ही रबड़ बैंड है जिसमें एक छोटा सा फ्लावर बना हुआ है। तो इस तरह से मार्केट में बहुत ही ईजिली अच्छे अच्छे फ्लावर वाले रबड़ बैंड मिल जाते हैं। तो इससे हम बालों को अच्छे से दबाते हुए रबड़ बैंड को लगाएंगे, और अब हम बालों को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। तो आधे हम इस तरफ आधे दूसरी तरफ को ले जाएंगे। तो इन बालों को हम अच्छे से रोल करेंगे, मोड़ेंगे, और साइड में ले जाते हुए जूड़ा के किनारे पर इसको अच्छे से कांटे की हेल्प से टग इन कर देंगे। तो दोनों आपको एक दूसरे के एंटी ले जाना है, एक दूसरी साइड ले जाना है तो एक दूसरे साइड ले जाना है। तो लीजिए, हमने इसको कांटे से खूब अच्छे से टग इन कर दिया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल सा जूड़ा बनकर के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये अंधेरा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो चलिए मैं आपको रोशनी में दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसका लुक लग रहा है। तो आप बच्चों को जब भी कोई फंक्शन में भेजिए या कोई स्कूल का प्रोग्राम हो, तो इस तरह से बढ़िया रबर बैंड लगा करके छोटा सा जूड़ा बना करके तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।